यह है हमारी पुरानी बाखड़ जिसमें हमारे दादा दादाओं के भी पापा रहते होंगे। इसका आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं। ये सबसे पहले पौड़ी आती है, पौड़ी ये ऐसी है। इसमें एक गेट इधर है, एक इधर है, ये इसका मेन दरवाजा है। पौड़ी से निकल के ये चौक, ओ ये चौक है। इसमें एक कमरा इधर है, ये बरामदा लगा हुआ है। इधर ये चूल्हे हैं, इधर ये कोठा है, है ना। ये नीचे की मंजिल है, अंदर के ये भैंसों का चारा भरा हुआ है इसमें। इधर इधर भी एक कमरा है, इसके अंदर इधर कुछ, ये देखो चमगादड़ हैं बहुत सारे, आंधी चिड़ी जिनको बोलते हैं, अंदर घुसी हुई है। एक ये है एक कमरा, एक इधर है। अब ऊपर चलते हैं, ये दूसरी मंजिल पे जाने की सीढ़ियां हैं। देखो ये कौन दे रहा है, एकदम चलना है, चलो। ये दूसरी मंजिल आ गई, इस पे सामने ये घर है, कमरा खंडर हो चुका है। एक ये रहा, एक इधर है, ये थी पक्का पक्का, ये हमारे हिस्से की थी कभी भाई। इसमें रहते थे हमारे दादा 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 कौन रहते थे, बुजुर्ग लोग। अपनी कौन सी पीढ़ी दादा, अपना बाबा तो वहीं रहता था। पांचवी पीढ़ी, मेरे से पांचवी पीढ़ी इसमें रहती थी, इस कमरे में। इधर एक ये घर रहा, फिर ऊपर भी है, पर दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। उस जमाने का पक्की इंफ्रा वो है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल। ये ऊपर का एरिया है, देखो एक इधर बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है, और ये एक क्या बोलेंगे इसको, तिबारी टाइप में, ये क्या बोलेंगे इसको, देखो लकड़ी की सोठ लगी हुई है इसमें, लकड़ी को ऐसे चीर के और लगा के ऊपर पक्की छत। वाह यार रामकेश, ये बढ़िया है, लकड़ी लगी हुई है नीचे, हाँ सोठ बोलते हैं इनको, और ऊपर पक्की छत। ये घर पहले लोग बड़े हुआ करते थे साइज में, और घर छोटे हुआ करते थे, और अब उल्टा हो गया, घर बड़े हैं लोग छोटे हैं, और सोच भी छोटी हो गई जमाने के अनुसार। ये इनके आस पड़ोस की बिल्डिंग है, जैसे सामने ये रही एक बिल्डिंग, एक ये रही, ऐसे चौकबंदी हवेली बोलते हैं इनको, ये बनाई गई थी। ये देखो समय के अनुसार ये इसमें बंकाड़ा हो गया, ये चाकी आटा पीसने की, ये भी अपने अंतिम समय को याद कर रही है। और ये सोठ टूटी हुई है, इधर सोठ लगी हुई है लकड़ी की, देखो ये खिड़कियां हैं, क्या शानदार तरीके से इनको बनाया गया है। तो ये हमारी प्राचीन हवेली है, जिसमें हमारे पांचवी पीढ़ी लास्ट थी जो रह रही थी। ये इसके पड़ोस के घर हैं, आगे देखो, ये देखो ये सब खंडर हो गए, नीचे के तो सब खंडर हो गए। ये हमारे भैरू बाबा का स्थान है, यहाँ आज भी हम पूजा अर्चना करते हैं। ये हमारा किला है इधर, ये गांव का किला है जिस पे झंडा लहरा रहा है, जय जोहार। थैंक यू, आपको ये पुरानी बिल्डिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, थैंक्स।